मैंने ये बड़े सडनली ये डिसीजन नहीं लिया, इसके बारे में काफ़ी सोचा मैंने और मेरे ख्याल में ये टाइम राइट था कि मैं अपनी जो फोकस है वो टेस्ट क्रिकेट पे रखूं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अगर देखें तो प्लेयर्स आए हैं करंटली जो वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक के मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी फोकस जो है वो एक फॉर्मेट पर रखूँ, अपनी फिटनेस और बेहतर करूँ, उसमें फुल एनर्जी के साथ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। सर भाई ये बता दें कि जैसे प्ले चल रहा था कि सीनियर्स को पसंद नहीं करते हैं और नौजवान लड़कों को मौका देना चाहते हैं, तो इस तरह का मोहम्मद हफीज़ के साथ भी देखने में आया, तो क्या पता जो है वो आप उस चीज़ से कोई दिलबर्दाश्त नहीं नहीं पहले मैं ये चीज़ क्लियर हूँ, कोई हार्ड फीलिंग लेके या कोई ऐसी चीज़ लेके मैंने ये चीज़ नहीं की, ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन है अपनी अपने करियर को बेहतर रखने बेटरमेंट के लिए। जो टेस्ट क्रिकेट का मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट ने मेरी सबसे ज़्यादा पहचान मेरी टेस्ट क्रिकेट है और उसमें मेरे फुल एनर्जी के साथ मेरी फोकस है कि मैं बेस्ट अपना टेस्ट क्रिकेट में दूँ पाकिस्तान को और ये मैं अपने अपने करियर के रिकॉर्ड को भी वहाँ पर ज़्यादा बेहतर करूँ। देखिए मैं सबसे पहले तो मेरी फुल सपोर्ट और आई थिंक सब हम सब की सपोर्ट सरफराज के साथ होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है और बड़ी एफर्ट्स हैं उसकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो मेरा ना कोई ऐसा कोई प्लान है ना कोई मेरा कोई फोकस है इस तरफ, मैं अपना फुल फोकस जो है वो अपनी बैटिंग पे अपनी फिटनेस पे रख रहा हूँ और आई थिंक के एज ए मीडिया एज ए प्लेयर्स एज मेरे ख्याल में जो आपका कैप्टन होता है उसको फुल सपोर्ट होनी चाहिए। हाल ही में वो टेस्ट सीरीज़ जीते हैं तो आई थिंक के हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, तो मेरी फुल सपोर्ट और मेरी हमारे जो जितने टीम है हमारी वो बड़े अच्छी तरीके से जेल हुई है उसके अंडर, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। देखिए ये मैं इस टाइम पे इस डिसीजन पे फोकस किया होता तो आई थिंक इसको इसी पे रहने देना चाहिए। देखें अब आप ये सवाल आप ऐसा कर रहे हैं कि एक चीज़ मैंने खेली नहीं है तो मैं अगर यहाँ पे अनाउंस करता तो बड़ा अजीब सा लगता था। आई थिंक कि वो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक चीज़ है, अगर वनडे फॉर्मेट जो मैं खेल रहा था उससे रिटायरमेंट कर दी तो ये चीज़ मैंने नहीं खेली तो ऑटोमेटिकली हो जाती, लेकिन हाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑल फॉर्म्स जो हैं वो खेलता रहूँगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती नहीं है पाकिस्तान इसमें ना अनलकी है थोड़ा सा कि हमें टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिलती है, तो इसलिए ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी मौका मिलेगा तो आपने कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलनी है, तो इसलिए मेरा है कि सारी फॉर्मेट्स में जो है ना डोमेस्टिकली खेलता रहूँ। जी अजहर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रिग्रेट ना हो, 53 वनडे मैचेस आपने खेले हैं, जैसे मेंशन कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में आप अब वो प्लेयर थे जिन्हें पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया, एक दो सवाल है, कोई क्या सिलेक्शन ना होना, मौका ना मिलना, लड़की मामूल का आ जाना, प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्म करना, ये वजह है, और दूसरा वनडे क्रिकेट छोड़ने का कोई ना कोई तो रिग्रेट जरूरी होगा। नहीं आई थिंक रिग्रेट्स मुझे कोई नहीं है सच, मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है, तो रिग्रेट तब होता है जब आप पूरी एफर्ट नहीं करते, पूरी एफर्ट की है और परफॉर्मेंस तो अप एंड डाउन होती है, तो रिग्रेट सच कुछ नहीं है, और जहाँ तक चांस ना मिलने का तो मैंने हमेशा से बिलीव किया ये हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर मैं नहीं हूँ टीम में तो उसमें कोई बेहतरी है और जो प्लेयर्स टीम में हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर टीम बनती है कोई कप्तान बनाता है या सिलेक्टर्स बनाते हैं वो सारे जो है वो टीम की बेहतरी के लिए बनाते हैं, तो आई थिंक कि वो मुझे किसी किस्म का ऐसा नहीं था कि मैं टीम में नहीं हूँ तो मैं छोड़ दूँ, आई थिंक कि एट दिस टाइम आई फील द टाइम इज़ राइट, और इस बारे में मैंने चीफ सेलेक्टर से भी बात कर ली, कप्तान से भी, कोच से भी, चेयरमैन से भी, सबसे बात करने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया। ओडीआई करियर की मेमोरीज चैंपियंस ट्रॉफी जीतना या कप्तानी मिलना था पाकिस्तान की? सॉरी, ओडीआई करियर की जो मेमोरीज है अच्छी, पाकिस्तान की कप्तानी मिलना या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना? जितनी दफा भी सवाल पूछेंगे मेरा ये जवाब होगा कि जब टीम जीतती है तो उसका अगर आप पार्ट हो तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
कप्तानी ऑब्वियसली बड़ी ऑनर की बात थी, लेकिन जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते और जिस तरीके से पाकिस्तान की वाम ने उसके बाद खुश हुई और जिस तरह सेलिब्रेट किया, तो वो मेमोरीज जो है ना वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी। आई थिंक टफ ज़रूर था, काफ़ी सारे टफ डिसीजंस भी लेने पड़े उस वक्त, लेकिन बड़ी 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 टफ इससे था कि पहले तो कुछ अरसा लोग कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मेरी कप्तानी को, और उसके बाद पहली सीरीज़ भी हार जाना 3-0 अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इट मेड इट टफ। बट आई थिंक उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने और जो हमारी स्पोर्ट्स स्टाफ था उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी और सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी तरह अपनी टीम को बिल्ड करने में कामयाब हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके रिज़ल्ट बेहतर होते गए, और मेरे ख्याल में उसके बाद मैंने इंजॉय भी किया, टफ भी रहा, तो बड़ी बड़ी कप्तानी करना पाकिस्तान की कभी भी आसान नहीं रहा, तो स्टिल आई बिलीव के बड़ी अच्छी मेमोरी स्टिल है मेरी उस टेन्योर में। जी मैम, नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई बड़े अच्छे तरीके से ये हो रहा है, और जिस तरीके से मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने सब ने उसको किया है, अकोमोडेट किया, सुना मुझे, और सबकी ख्वाहिश, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम इसलिए राइट है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, जो टीम खेल रही है उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आगे वर्ल्ड कप में जो है ना वो टीम, मतलब कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको एक पूरा रन मिले बिफोर द वर्ल्ड कप, सो दे कैन प्ले द वर्ल्ड कप विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट इसलिए मेंशन किया कि डोमेस्टिकली जितने कंपटीशन है उसके लिए मैं खेलता रहूँगा, क्योंकि आप देख रहे, मैंने टेस्ट क्रिकेट मेंशन की कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए फिट रखना है, तो इसलिए आई थिंक कि कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो तो वो अच्छा है। ये टोटली अप टू जो टीम्स हैं उनके ऊपर होता है, और मैं इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कर सकता या नहीं कर सकता, तो जो मेरी प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट है, तो उसको वो मेरा मेन फोकस है। जी काका सर, वनडे में आपने रिटायरमेंट इसलिए तो नहीं ली कि आप डबल माइंडेड हो गए थे कि आपकी टेस्ट में भी जो है परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं जा रही थी, और आप जब नॉक करना शुरू हुए, जब सेट हुए, तो उसके बाद आप रन आउट हो गए, जो कि काफ़ी यादगार बना, वो काफ़ी नहीं ऐसे टेस्ट की फॉर्म की कोई इसकी वजह नहीं है। हाँ, ये इससे मुझे हेल्प ज़रूर होगी कि मैं फोकस कर सकूँगा ज़्यादा अपनी फॉर्म और फिटनेस पे। अगर दो चीज़ें, एक तो लोग ज़्यादा सवाल बात जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो आपकी घुटने की इंजरी के हवाले से, दूसरा ये कि क्या आप काउंटी क्रिकेट और फिर पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे? देखिए, मैंने इसलिए डोमेस्टिकली सारा अनाउंस किया कि डोमेस्टिक की जो ऑप्शंस हैं वो ज़रूर जो है वो क्रिकेट खेलनी है, जारी बात है, अपने आप को फिट भी रखना है, फॉर्म में भी रखना है, तो जब आप 6-6 महीने या 5 महीने का गैप आएगा बीच में, अगर क्रिकेट नहीं कंपेटिटिव खेलेंगे तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह आपने इंजरी की बात की, इंजरी मुझे लास्ट ईयर हुई थी, उसके बाद मैं बेहतरी की तरफ ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर से बेहतर ही होता गया, तो उस सिलसिले में भी मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया कि मैं अपने उसको और बेहतर करूं, लेकिन या डेफिनेटली कि मेरा जो फोकस रहा है सारा, ये वो इसीलिए है कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉर्म को कंटिन्यू रखूं, फिटनेस को कंटिन्यू रखूं। देखें, अल्लाह करे को इंशाल्लाह जो अपॉर्चुनिटी आएगी तो ज़रूर उस पर उसको देखेंगे। एक तो ये चीज़ के ऑब्वियसली आप सच बताना कि जो टारगेट्स थे ओडीआई क्रिकेट में अचीव किए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो जमात अजहर अली की ले सकती थी, आप समझते हो पूरी में दूसरी, नाउ दैट ओडीआई साइड इज आउट ऑफ द वे,
टेस्ट में आपका क्या टारगेट होगा, क्योंकि यूनुस खान को हमने रिसेंटली देखा 10,000 रन, तो आप भी फिर अपना बेंच मार्क उसी तरह से सेट करोगे हाईएस्ट रन गेटर बनो पाकिस्तान में? देखें वो अचीव करना तो अभी बहुत दूर है। आई थिंक उसके लिए बहुत सारे साल क्रिकेट खेले, मतलब काफ़ी साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यूनुस भाई तो जारी बात है, इतने अरसा उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, अपनी फॉर्म को मेंटेन किया, तब वो उन्होंने 50+ एवरेज रखते हुए इतने रन बनाए। तो मेरी कोशिश यही है कि अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट क्रिकेट में और इम्प्रूव करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ पाकिस्तान के लिए। तो फिर रिकॉर्ड्स जितने भी आएंगे, अल्लाह करे कि मेरे हिस्से में कुछ रिकॉर्ड्स आएँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखिए उस मैं समझता हूँ कि वनडे में मैं ज़्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन अगेन मेरा बिलीव बड़ा स्ट्रांग है कि अल्लाह ताला पे कि जो चीज़ होती है, जो चीज़ मिलती है, जैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं पाकिस्तान टीम का वनडे में कैप्टन बनूंगा, तो वो चीज़ आई मेरे पास। तो इसी तरह हर चीज़ आई थिंक होती है, तो मेरे ख्याल में मैं सेटिस्फाइड हूँ वट एवर आई गॉट फ्रॉम वनडे क्रिकेट, और इंशाल्लाह बस दुआ करें कि आगे मेरे टेस्ट क्रिकेट में मेरे लिए अच्छा और ज़्यादा अच्छा। माजी में रवायत तो कम ही रही है रिटायरमेंट की, आपने अच्छी रवायत डाल दी, लेकिन माजी में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जब जगह स्पेस छोड़ देते थे ना, तो वो क्रिकेट बोर्ड उनको एडजस्ट करता था कुछ मुआवजे की सूरत में, क्या आपको भी कोई क्रिकेट बोर्ड कोई ओनर नहीं? मैं समझ मैं इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं कि मैं इस तरह करूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ना इस तरह का कोई इशू नहीं है। और रवायत मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब आपको लगे कि योर कि जो आपको फील अंदर से होता है, आई थिंक उस टाइम पे वो डिसीजन लेना चाहिए। जो मुझे फील हुआ अभी वो मैंने डिसीजन लिया, उसमें मेरे जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे वेल विशर थे, उनसे सबसे मशवरा करके मैंने डिसीजन लिया। कोई सोल्डली मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, बड़ा इसके पीछे मैंने टाइम लगाया। नहीं नहीं मुआवजा ना मुझे अल्लाह माफ़ करे ना चाहिए, और सबसे बड़ा मुआवजा ये है कि रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आई थिंक के रिस्पेक्ट के साथ जाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। आई थिंक जी नहीं फैमिली ऑब्वियसली सबको कॉन्फिडेंस में लिया है, पेरेंट्स को भी, फैमिली को, वाइफ को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया। आपने बात की थी कि आपने सबसे गुफ्तगू की है, तो आपकी जो कप्तान से, सेलेक्शन कमेटी से, टीम मैनेजमेंट से बात आई है, तो किसने आपको रोकने की कोशिश की, क्या फीडबैक आया उनकी तरफ से? नहीं आई थिंक वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन देवर दे उनसे जब से मशवरा करके उनसे बात की है, लेकिन डिसीजन ऑब्वियसली उन्होंने मेरे पे ही छोड़ा। लेकिन मैं वो अंदर की बात तो जारी बात है नहीं बता सकता। रोकने की कोशिश का भी मैं नहीं यहाँ पर जिक्र कर सकता कि किसने की किसने नहीं की। आई थिंक सब बड़े रिस्पेक्टफुल थे डिसीजन के, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, लेकिन मैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं कर सकता बात। मैं किसी पे ये नहीं कहता कि किसी को करनी चाहिए। आई थिंक जब वो फील करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है ये जज करना। आई थिंक इफ़ अ प्लेयर कैन फील के वो अपने कंट्री को दे सकता है, तो वाई नॉट, के एज आई डोंट थिंक से लिमिट होनी चाहिए। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट इंटरनेशनल फॉर्मेट है, उसके अंदर बेस्ट प्लेयर्स खेलने चाहिए, और चाहे वो आपके सीनियर्स हों चाहे वो जूनियर्स हों। तो मेरा नहीं ख्याल जो प्लेयर्स सीनियर्स अपनी फिटनेस और फॉर्म को बेहाल रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको टिल दी एंड उनको खेलना चाहिए। और वो पाकिस्तान को देख लें, हमारे कई सीनियर्स प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा सर्व किया काफ़ी एज तक। तो आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए हमारे अपने सीनियर प्लेयर्स को भी, ताकि वो अगर कर सकते हैं तो वो और अच्छे तरीके से करें। हमारा ये होता है कि थोड़ी सी 2-3 इनिंगें बुरी जाती हैं, तो सीनियर प्लेयर्स को फौरन से कहते हैं कि जी नया ले आओ ये। आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन सर, आपने सीरियस की बात की, हम देखते हैं जो कोच है पाकिस्तान के, वनडे और टी20 के हवाले से वो खासे अनाइड रहते हैं, या आप सीनियर नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ना मुझे ये पता है कि मैं प्लान का हिस्सा हूँ नहीं हूँ। मैंने ये डिसीजन टोटली अपने आप को देखते हुए लिया है, और दूसरा ये है कि मैंने कोई चीज़ ऐसी एज फील कोई नहीं की कि कोई सीनियर प्लेयर्स के ऊपर किसी का कोई दबाव है। आई थिंक फॉर्म एंड फिटनेस इज़ द क्राइटेरिया सबका है, कि जब फॉर्म एंड फिटनेस होगी तो आई डोंट थिंक से कोई रोक सकता है आपको किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए। और आप देखते हैं कि
प्लेयर्स अगर कोई मसला होता भी है तो अपनी फॉर्म फिटनेस बेहतर करके आते हैं, परफॉर्म करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। तो आई थिंक किसी भी कोच की कैप्टन की यही रिक्वायरमेंट होती है कि कोई प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसकी फॉर्म अच्छी हो और फिटनेस अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच।